बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था टर्निंग फैक्ट ऑफ फोर्सेस के मुतालिक, ठीक है। अब इस पर हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किए थे उनमें सेंटर ऑफ मास लास्ट टॉपिक था हमारा जो डिस्कस किया था, आज हम उससे आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसी सेंस में सुनना है ताकि आपको दोनों तरीकों समझ आ जाए, शॉर्ट के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद एक जो सबसे पहला पेज नंबर निकाल लें, पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 पर आपका टॉपिक ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर लिखा हुआ है। बड़ा पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी होती क्या है, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता चल जाएगा। ग्रेविटी बेटा अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो इस ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। पुरानी बुक्स में उसकी वैल्यू थी वो थी 9.8 ms-2, लेकिन अब इसको मॉडलाइज किया गया, उसके बाद उन्होंने जो इसकी वैल्यू है जी की वो 10 ms-2 अब से वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तो आपको याद रखने वाली चीज़ थी। अब जो काम चीज़ है वो ये है कि सॉलिड बॉडी है, अब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, सपोज हमारे पास पार्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मतलब 8 बन गई है, ठीक है। अब जो ये पार्टिकल्स हैं इन पर क्या ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है, अब जब सारे पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, तो ग्रेविटी सपोज यहाँ पर अर्थ है, तो अर्थ क्या करेगी, इनके सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आप देखेंगे कि इस पार्टिकल को भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस पार्टिकल को भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसको भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल इस बॉडी के अंदर हैं उन सब को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स की अट्रैक्शन है वो सारी एक ही डायरेक्शन में लाए कर रही हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की तरफ है वो एक ही साइड की तरफ है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे हैं उनकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, तो हर पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड ही कंसिडर करेंगे। अब बेटा, जो सॉलिड बॉडी है कंप्लीट, इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इस पूरी बॉडी का वेट लाई करेगा, ठीक है। पूरी सॉलिड बॉडी उसका एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंप्लीट वेट लाई करता है उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का जो वेट है वो एक पॉइंट के ऊपर लाया करे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको हम क्या नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है बेटा।
तो ये हमारा जो टॉपिक था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें नॉमिनेट की हैं कि जैसा कि इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम जब आप डिस्कस करेंगे आगे जाकर, उसमें ये है कि एक बॉडी के ऊपर अगर तमाम फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उनका सम जीरो के बराबर आ जाता है तो बॉडी रेस्ट की हालत में आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। सेम इसका जो रिजेम्ब्रेंस है इक्विलिब्रियम की, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ भी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने क्या कहा है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का वेट लाए करे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तमाम फोर्सेस क्या हैं, जीरो हो जाएंगी। तो इक्विलिब्रियम के केस में भी ऐसा ही है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, ठीक है, अगर मैं आपको डेफिनेशन लिख लूँ, इफ एक्टिंग ऑन द बॉडी, इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, द बॉडी will be in equilibrium, ठीक है। अगर तमाम फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगे और उनका जो सम है वो जीरो के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बेटा इसके बाद जो पेज नंबर 95 ओपन कर लें, वहां पर कुछ डायग्राम्स आपको बना के दी गई हैं। बेटा आपको ये समझ आ चुका होगा जिसमें हमने सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके बाद जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, बट हमें वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि हमने अगर फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का किस पॉइंट पर लाए कर रहा है तो उसको आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो डायरेक्शन या शेप है वो सेम हो उनको हम नाम देते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है, अलाइनमेंट सेम हो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट, अगर आप इस पॉइंट को, ये बात समझ आ चुकी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो आगे वाला टॉपिक भी बिल्कुल आसान सही है, ठीक है। इसमें आप सिर्फ डेफिनेशन करने की और कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई है वो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। अब बेटा पेज नंबर 95 इसके बाद ओपन करें, आप वहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का हमने अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है तो वो किस तरह हम फाइंड करेंगे, तो पहले उन्होंने एग्जांपल दी एक रॉड की। अगर आप उनकी बुक का पेज नंबर 95 निकालेंगे वहाँ पर आपको काफ़ी डायग्राम्स देखने को मिलेंगी। पहले डायग्राम उन्होंने बनाई है मेटालिक रॉड की, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास रॉड है मेटालिक रॉड, और यहाँ पर जी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये रॉड बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखें इस पर हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, सपोज ये वाला पार्टिकल है, इस पर वेट, इसका जो वेट है वो किस तरफ होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये वाला जो पार्ट है इस रॉड का, इसका जो वेट है वो भी किस तरफ एक्ट करेगा, वो भी बेटा डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखें कि एक ऐसा पॉइंट आएगा इनके दरमियान जहाँ पर ये रॉड बैलेंस हो जाएगा, तो ऐसे पॉइंट को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सपोज ये बोर मार्कर है, अगर आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे स्टेबल नहीं होगा, यहाँ से पकड़ेंगे तब स्टेबल नहीं होगा, लेकिन आप इसको अगर आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, सेंटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरफ गिरेगा ना इस तरफ गिरेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा इसको हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मेटेलिक रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो ये वाला है।
अब बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास शेप्स दी उन्होंने, एक है स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगल, दो शेप्स हैं ये दोनों तकरीबन रिसेंबल करती हैं। स्क्वायर बेटा एक ऐसी शेप जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या हों, इक्वल हों। सपोज ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास है रेक्टेंगल, ठीक है। हमने इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कैलकुलेट करना है, तो बेटा आपको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप इनका डायगोनल चुने वो ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब बेटा जो ये वाला पॉइंट होगा बीच में, यानी दो लाइनें ऐसी जो इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पर, उनको हम नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सी ओ जी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आपने क्या करना है इस रेक्टेंगल के अंदर भी यही करना है कि आपने डायगोनल्स ड्रा कर लेने हैं और ये वाला पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करें दोनों लाइनें, ये क्या कराएंगी सी ओ जी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये तो हमें दो चीज़ें क्लियर होगी कि एक मेटेलिक रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करना है या किस तरह आएगा, उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद बड़ा जो लास्ट सेकेंड ऑफ डायग्राम वो है ट्राइंगल, ठीक है बड़ा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है ज्योमेट्री के अंदर जिसकी तीन साइड हों, लेकिन उसमें ये कंफर्म नहीं होता है कि कौन सी साइड इसके इक्वल है, ठीक है। ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना ही क्यूब ट्राइंगल है, इसे रेगुलर ट्राइंगल हमने यहाँ बना दिए। अब हमने क्या करना है इसका, हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे इसके मीडियंस ड्रॉ कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर मीडियंस कैसे ड्रॉ करते हैं कि सपोज ये ए बी सी, अब आपने क्या करना है ए बी लाइन का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सपोज ए बी लाइन का सेंटर पॉइंट ये है, अब आपने इसको इसके सामने वाली साइड के साथ मिला देना है, ये साइड ऐसे मिलगी। अब हमने क्या करना है ए सी का सेंटर पॉइंट निकालना है, तो बेटा सपोज ये ए सी का सेंटर पॉइंट ये है, तो आप इसको इसके सामने वाले साइड के साथ मिला देंगे यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे जो बी सी साइड है इस बी सी वाले साइड पर, इस पर आप क्या करेंगे इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला इसका सेंटर पॉइंट है, और आप क्या करेंगे इसको ऐसे मिला देंगे। तो बेटा ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इस सेंटर जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे सेंटर ऑफ, इसको हम क्या नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ कुछ और शेप्स दी हुई जैसा कि सर्कल है, ठीक है। सर्कल की जो तमाम साइड्स हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। सपोज ये सेंटर पॉइंट है, अब आपने क्या करना है, पहले आपने सेंटर पॉइंट फाइंड कर लिया, अब आपने इसके दो लाइन ड्रॉ कर लें यानी कि जो सेंटर से पास होंगे, ये वाला लाइन, ठीक है। तो इनका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इन तमाम शेप्स के अंदर जो पॉइंट मैंने यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है ये कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके ऊपर जो ये ट्रायंगल बैलेंस, अगर आप ट्रायंगल को यहाँ से पकड़ेंगे तो ये ट्रायंगल इसको बैलेंस हो जाएगी, सर्कल को पकड़ेंगे सर्कल इस पॉइंट पे आके बैलेंस हो जाएगा, जो रॉड है मेटेलिक रॉड वो इस पॉइंट के ऊपर आके दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जो स्क्वायर है वो क्या होगी, इस पॉइंट पर आकर बैलेंस हो जाएगा, रेक्टेंगल भी इसी पॉइंट पर आकर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये थे कुछ इसके जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे पेज नंबर 95 के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद जो हमने कुछ यहाँ पे हेडिंग्स बनाई हुई है ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकते हैं या वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, आप बताएंगे कि हम डायग्राम्स के जरिए से फाइंड करते हैं, और वो पूछेगा अगर ट्राइंगल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस मेथड के जरिए से फाइंड करते हैं, तो आप बताएंगे कि मीडियंस जब हम ड्रॉ करते हैं तो उससे हम ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं। उसके बाद पूछेगा कि सर्कल का कैसे
फाइंड करते हैं, तो आप ये बताएंगे कि सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पर दो लाइन हम ड्रा कर लेंगे, जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा, ये टॉपिक आज हमने जो डिस्कस किया है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह कल इसके साथ इसका नेक्स्ट टॉपिक है अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ये तो हमारे सारे सिमेट्रिकल हैं, यानी सेम है कोई, यानी कि आप देख सकते हैं रेगुलर शेप है सबकी। अब जब हम जो टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि जो इनरेगुलर शेप है जिसकी कोई शेप नहीं होती उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद जो ये डायग्राम मैंने समझाई हैं इन्हें भी आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे बेटा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।